जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से सबसे पहले तो हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं जो कश्मीर के अंदर गत दिवस जो है शोपियां के अंदर एक पूर्व सरपंच की जो है आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। सेनानी जो पहलगाम घूमने के लिए आए थे, टूरिस्ट बनकर आए थे, उन पर जो है आतंकवादी हमला किया जाता है। इन निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर जो नापाक और कायराना हरकतें आतंकवादी संगठनों द्वारा की जा रही हैं उसको हम कड़ी चेतावनी देते हैं कि अपनी नापाक हरकतों से वो बाज आए। ठीक है, इसके साथ आज जो हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर है। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जो है शुरू होने जा रही है, पंजीकरण उसका शुरू हो चुका है और यात्रा का शुभारंभ जो है वो 29 जून से 19 अगस्त तक किया जाना है। ये तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है। इसके लिए तमाम सुविधाओं का जो है वो सुविधाएं अरेंज करने की श्राइन बोर्ड की तरफ तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। जैसे श्रद्धालुओं के लिए जो है वहाँ पर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी जो है बड़े बड़े सुविधाओं को लेकर जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि श्रीनगर के पैंथा चौक के अंदर जो है अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर बना दिया गया, स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ जो तमाम सुविधाओं को लेकर जो टेंडर निकाले जा रहे हैं और उन टेंडर के अंदर जो बाहरी लोगों को वरीयता दी जा रही है उसका लेकर जो है आज हमारी पत्रकार वार्ता है। देखिए, श्राइन बोर्ड से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो चेयरमैन भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से हमारी एक ही मांग है कि जो व्यवस्था के लिए आप टेंडर निकालते हो, टेंटों की व्यवस्था के लिए, घोड़ों के लिए या शौचालय बनाने के लिए, स्नानघर बनाने के लिए जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं उसके लिए जो टेंडर दिया जाता है, जो काम का आवंटन किया जाता है वो स्थानीय लोगों को दिया जाए, स्थानीय फर्मों को दिया जाए। देखिए, हमें यह कतई नहीं भूलना होगा कि जब आतंकवाद चरम पर था, जब बाहर से कोई भी कंपनियां यहां पर जो है नहीं आती थी किसी तरह की सुविधाएं देने के लिए, काम लेने के लिए, उस समय पहलगाम के स्थानीय लोगों ने, कश्मीर के बालटाल के स्थानीय लोगों ने, श्रीनगर के स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर जो है इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा सहयोग किया था। वहां कर इन लोगों के द्वारा ही जो है तमाम यात्रियों को सुविधाएं दी जाती थी, मगर आज वहां के स्थानीय लोग जो है वो बहुत ज्यादा निराशा से जूझ रहे हैं। पूरा साल वो इस पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो उनके काम धंधे में उछाल आएगा, मगर पिछले कुछ सालों से श्राइन बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं, तमाम जो यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं उसके टेंडर, उसका काम जो है वो बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। हाल ही के अंदर एक समाचार पत्र द्वारा भी ऐसा खुलासा किया गया था कि महाराष्ट्र की एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को जो है वो करीब 350 करोड़ का जो है वो आवंटन किया गया, उसको काम दे दिया गया। वो चाहे वो L1 आया है, मगर हमारी मांग है कि स्थानीय लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, वरीयता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हमारी ये भी मांग थी, बड़ी देर से हम कर रहे थे मगर अभी तक उस दिशा के अंदर भी कोई कदम नहीं उठाया गया कि वहाँ पंथा चौक में तो जो है आपका अमरनाथ आधार शिविर आपने बना दिया, मगर जम्मू में भी आपने जो है एक जगह निर्धारित की थी, करीब साल के ऊपर हो चुका है, वहां पर पूजा अर्चना की गई थी, भूमि पूजन किया गया था, नींव पत्थर रखा गया था वहां जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी की तरफ से और केंद्रीय मंत्री भी आए थे वहां पर, उसकी तरफ से भी जो है अभी एक ईंट भी वहां पर काम आगे नहीं बढ़ा है, उसको भी जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हमारी दो और मांगों को आज मैं दोहराऊंगा जो हम पहले भी रख चुके हैं कि अमरनाथ यात्रा पर पंजीकरण को पूरी तरह से निःशुल्क किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा पर आपने यात्रा अवधि तक जो पवित्र हिम शिवलिंग है उसको दर्शनों के लिए जो है सुरक्षित रखा जाए। लगातार ये देखा गया है कि आखिर के दिनों के अंदर जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है क्योंकि पवित्र हिम शिवलिंग जो है वो कुछ दिनों के बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। कड़े कदम उठाए जाएँ ताकि यात्रा के आखिरी दिन तक जो है भक्तों को भोले बाबा का दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो।